गैस गैस गैस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रैंड ट्रक सिमुलेटर 2 लेसन 7 के बाद क्या करें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक। इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, उसमें मैंने आपको दिखाया है कैसे सारे लेसन कंप्लीट करना है। तो सारे लेसन कंप्लीट करने के बाद इसमें आपको आगे क्या करना है ये मैं आपको आज दिखाऊंगा, हाउ टू गेट जॉब इन ग्रैंड ट्रक सिमुलेटर 2। तो लेसन 7 तक कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब लेना है। तो जॉब लेने के लिए यहाँ पे आपको जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री का अलग अलग जॉब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इनमें से आपको किसी एक को चुनना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हो 4 कंट्री यहाँ पे मिल जाएगा, किस कंट्री में आपको जॉब लेना है वो आपको चुनना है, उस पर क्लिक करना है। तो उसी कंट्री का सारा जॉब यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले कुछ जॉब्स है इनके लिए लाइसेंस ई चाहिए, अपने पास तो अभी लाइसेंस ए है, तो हम ऊपर वाले जॉब में से किसी एक को चुनेंगे। जैसे कि हम चुन लेते हैं यूएसए वेस्ट लार्ज मैप में BUA 2 केवर्स। BUA सिटी से केवर सिटी में हमको जाना है माल लेके ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 117 किलोमीटर का रास्ता है और इस काम के लिए हमको पैसा मिलेगा $1,113। तो ट्रिप शुरू करने के लिए आपको क्लिक कर देना है ये जो स्टीयरिंग वाला आइकॉन है इस पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टीयरिंग बटन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे लोडिंग शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखते रहना, मैं आपको ये जॉब पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, कैसे रास्ते में सही तरीके से ट्रक को चलाना है दिखाऊंगा, जिससे कि आपको नॉर्मल से ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए कट कट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी और आप जॉब कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो कंटिन्यूअसली पूरा देखते रहना। आगे BUA सिटी में यहाँ से हमको ट्रिप स्टार्ट करना है। सुबह का टाइम हो रहा है, सूरज अभी तक पूरी तरह से उगा नहीं है, पूरा लाल लाल दिख रहा है। यहाँ से हमको जाना है केवर सिटी में और इस ट्रक में टेलर एकदम सेट है जिसमें कि माल भरा हुआ है। टेलर वाला ट्रक होता तो जो टेलर हमको लेके जाना है उसको पहले ट्रक के पीछे हमको लगाना पड़ता, लेकिन इसमें एकदम अटैच है। GPS मैंने सेट कर लिया है, यहाँ से बाहर निकलते ही रास्ता दिख जाएगा, ये देखो एरो दिख चुका है। तो ये सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे आप एकदम। भटकना तो छोड़ो, इसके बिना कहाँ से जाओगे आप वो भी पता नहीं चल पाएगा, एक जगह पे बैठे रह जाओगे। ये सब चीज़ें कैसे करना है लेसन की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस गेम में जानना पड़ेगा, तब जाके आप इस गेम में ट्रक ड्राइविंग कर सकते हो। ये देखो टेलर वाला ट्रक जा रहा है एक, हम भी आगे चल के इस तरह का ट्रक इस तरह का जॉब लेंगे। मिट्टी पे घुसने पे देखो कितना अच्छा सा धूल उड़ा। तो इस तरह का रियलिस्टिक ग्राफिक्स इस गेम में है, बहुत ही रियल टाइप का गेम है। अभी असली ग्राफिक्स दिख रहा है इस गेम का। पहले तो हम लेसन में एक छोटा सा जॉब कंप्लीट किए थे, वो बस ट्यूटोरियल था, थोड़ी देर का रास्ता मतलब थोड़ा सा रास्ता गए थे, लेकिन आज हम मेन जॉब लेने के बाद लॉन्ग ट्रिप पे निकले हैं और जगह का ग्राफिक्स एकदम निखर के आ रहा है। और इस जर्नी में हमको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, ऑफ रोड भी मिल सकता है, खराब रास्ता भी मिल सकता है, और अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी दिखाऊंगा। अगर गलती से हो गया तो एक्सीडेंट होने पे एकदम ये टूट फूट जाता है पूरा, मैंने एक बार इसको ठोक ठाक के देखा था, आगे का हिस्सा एकदम पूरा उखड़ गया था, पूरा इंजन दिख रहा था। ऐसा अगर कभी होता है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्या पता आज ही देखने को मिल जाए। देखिए जानबूझ के तो नहीं ठोकूंगा, गलती से हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सही तरीके से ड्राइविंग करके कैसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी हमको स्पीड पकड़ना है क्योंकि खुला रास्ता आ चुका है और सिटी से बाहर हम आ चुके हैं और ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा है। एक ट्रक अभी गया था थोड़ी देर पहले इसी लाइन पर, वो कहाँ तक पहुँचा होगा पता नहीं, हम उसके पास पहुंचेंगे। उसके पास पहुंचने के लिए हमको चाहिए बहुत ज़्यादा स्पीड, तो स्पीड में चलते हैं, देखते हैं उसके पास पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर, काफी दूर पहुंच गया होगा वो माल। अरे पहुंच गए, वो जा रहे सामने, ज्यादा दूर नहीं गया है, पहुंच नहीं पाया है ज्यादा दूर, हम पहुंच गए उसके पास, अभी भी पास नहीं पहुंचे है, बहुत दूर है अभी भी, उसके पास पहुंचना है हमको, लेकिन दिख चुका है, ये मजे की बात है। इसके साथ हम चलेंगे और ज़्यादा स्पीड कम किया तो ओवरटेक भी करेंगे। देखिए ऐसे चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होता है, सामने जा रहा है ट्रक, हम जा रहे हैं उसके पीछे, उसको फॉलो करते हुए उसको चकमा देके ओवरटेक भी करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे रास्ते में कहीं कहीं पे खड्डा भी दिख रहा है, ये देखो मैं क्या बोल रहा था, खड्डे वाला रास्ता भी मिल सकता है, तो हमको मिल चुका है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खड्डा है और उस खड्डे से जा रहा है तो ट्रक उछल भी रहा है, तो ऐसे चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इस रास्ते में थोड़ा सा थोड़ा रिपेयर किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे लग रहा है, ऐसे होता है ना पीच के रास्ते में, कुछ जगह पे अगर खड्डा हो तो उसमें रिपेयरिंग होता है और पैच लगता है, उसी तरह का भी लग रहा है, जैसा कि इंसान को चोट लग जाए तो उस पर बैंडेज लगता है उसी तरह का। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हो,
रेगिस्तानी इलाका है, ऐसे इलाके में दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने तो सुना है ऐसे इलाके में दूर दूर तक पानी का एक बूंद तक नहीं मिलता है। ट्रक को प्यास लगा तो पिलाएंगे का? पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं रास्ते में? फ्यूल के साथ साथ और भी बहुत कुछ पिलाना पड़ता है इस गेम में ट्रक को, जैसे कि इसके इंजन को कूल करने के लिए लुब्रिकेंट, रेफ्रिजरेंट, ये भी डालना पड़ता है। इस इलाके में कुछ अलग ही टाइप का पत्थर का स्तूप भी दिख रहा है, जो कि ऐसे इलाके में अक्सर होता है। यहाँ पे एक घर भी दिखा, बहुत देर से चल रहा है, कोई घर नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे एक घर दिखा, तो हम थोड़ा सा इंसान रहने वाले इलाके में आ चुके हैं। ये उसी का संदेश है कि सामने कोई सिटी आ रहा है, जल्दी हम सिटी में पहुंचने वाले हैं। कितना जल्दी पहुंचने वाला है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन संदेशा मिल चुका है। संदेशे आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको फर्क पड़ता नहीं घंटा। तो अभी आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा के वॉल पे कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो अभी हम और भी ज्यादा स्पीड में चलेंगे, इस ट्रक को ओवरटेक कर लेंगे, इसको चकमा दे देंगे, क्योंकि हमको जल्दी टाइम पे पहुंचना है ताकि ज्यादा बोनस मिले। स्पीड 50 पार कर चुका है, लगता है 60 के स्पीड पार कर जाएंगे तो इसको हम पार कर जाएंगे। वो भी बहुत स्पीड में जा रहा है, लेकिन हम इसको पार कर जाएंगे। लेकिन अगर तुरंत ही स्पीड बढ़ा लिया तो उसने उसका माथा सनका, तो ऐसा कर भी सकता है। कोई गारंटी नहीं है कब किसका सटक जाए। काफी लंबा सा टेलर लेके जा रही है और कम स्पीड में नहीं जा रही है, लगभग 60 के स्पीड में जा रहा है। मैं क्या कह रहा था, 60 का स्पीड हम पार करेंगे तो हम इसके पार चले जाएंगे, और हम चल गए। अब सामने रास्ता क्लियर है, कोई काक पक्षी भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम इस ट्रक में जितना ज्यादा स्पीड हो सकता है उतना ज्यादा मारेंगे। अब देखो कितना जल्दी पहुंचते हैं, 70 का स्पीड होने वाला है। 70 हो गया 70। सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है और सामने हमको मुड़ना भी है राइट में, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को डाउन करेंगे, वरना सीधे चल जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा बुरी तरीके से। तो हमको इस रास्ते से जाना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप गलती से उस रास्ते से चले जाओ सीधा, लेकिन वो गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। GPS पे आपको सही से देखना है कहाँ से दिखा रहा है एरो, तो उसी रास्ते से आपको जाना है। देखो हम फिर से मुड़ चुके हैं एकदम पूरी तरीके से और आ चुके हैं इस रास्ते पे। अब हमको यहाँ से सीधा जाना है, एक ट्रक जा रहा है वो भी खाली वाला, इसको हम पार कर गए, पार करके निकल चले हैं मंजिल की ओर। अभी यहाँ पे लगता है दोपहर का टाइम हो रहा है, क्योंकि हम एकदम सुबह को निकले थे, तब सूरज सही से उगा भी नहीं था, अब तो लगता है सूरज एकदम माथे पे है। ये यहीं पे घुसना था क्या? ये बातों बातों में निकल गए, कोई बात नहीं, सामने से हम घुमा के ले आएंगे फिर से। देखो आप गलत चल जाओगे तो भी आपको GPS पे रास्ता देखने को मिल जाएगा घूम के सही जगह पे पहुंचने का, ये बहुत अच्छा है। गलत जाने पे भी GPS गायब नहीं होता है, सही जगह पे ये आपको पहुंचा देगा। चलो हम घूम गए, अभी इसको हम लेके चलते हैं वहाँ पे सामने हमको देना है, वहाँ पे है अनलोडिंग का एरिया, वहाँ पे हमको घुसना है। उसके अंदर हमको मिलेगा ट्रक को खड़ा करने का जगह, वहाँ पे हम इसको खड़ा करेंगे, उसके बाद अनलोड होगा, उसके बाद मिलेगा पैसा वैसा बोनस सब कुछ। चलो यहाँ से अंदर जाना है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे है ये ट्रक को खड़ा करने का जगह। बहुत बड़ा एरिया है ये, यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे खड़ा करना है। ये ग्रीन वाला दिखेगा वो, हाँ वहाँ पे दिख रहा है GPS पे एक ग्रीन स्पॉट, यहाँ पे स्पष्ट एकदम दिख चुका है, एरो दिख चुका है। यहाँ पे इस चौकन में हमको खड़ा कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे खंभे है, इसको घुमाना पड़ेगा, इसको घुमा के यहाँ पे लगा देंगे और ये हो जाएगा। ये देखो आ चुका है, यहाँ पे सीधा लगा के हमको ट्रक के इंजन को ऑफ करना है, तो ये अनलोड होगा। जितना सही तरीके से हम लगाएंगे उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। चलो लगा लेते हैं, लग चुका है। चलो अब इंजन को ऑफ करना है, तो इंजन ऑफ कर लेते हैं, अंदर चल के। इंजन ऑफ करने के बाद ये जॉब कम्प्लीट हो जाएगा, ये देखो कंप्लीट हो चुका है। अब इस जॉब का रिजल्ट मिलेगा, हर एक चीज के लिए बोनस मिला है, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया है तो इसका फायदा हमको मिला। इस जॉब के लिए $1,113 मिलना था, लेकिन मिला है 1,280 बोनस मिला के। तो इस तरह से आप ग्रैंड ट्रक सिमुलेटर 2 गेम में जॉब ले सकते हो और जॉब कंप्लीट कर सकते हो, और जो पैसा मिलेगा उससे आप यहाँ से नए नए ट्रक भी बाय कर सकते हो। बहुत सारे तागड़े किस्म का यहाँ पे ट्रक मिल जाता है, तो इनमें से कोई भी ट्रक आप बाय कर सकते हो, जब इनको खरीदने लायक आपके पास पैसा हो जाए और इनको खरीदने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो आपको मिल जाए। ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।